अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर माइक्रो बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम ग्राम पॉजिटिव थॉट्स करेंगे, जिसमें हमारे पास रिमेनिंग बैक्टीरिया है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोसिस। ग्राम पॉजिटिव थॉट्स को, जैसा कि आप पहले भी पता होगा कि हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जो स्पोर्स बनाते हैं और एक जो नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होती है। जो स्पोर फॉर्मिंग है उसमें बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम की स्पीशीज़ आती हैं, जो आप पहले कर चुके हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में कोराइनी बैक्टीरियम और लिस्टेरिया की स्पीशीज़ आती हैं, जिनको हम आज करेंगे। स्टार्टिंग विद कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है और क्लब शेप इसकी शेप होती है। दिस इज़ वन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया जिनको और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और नॉन मोटाइल है और कैटालेज रिएक्शन पॉजिटिव देता है और ग्लूकोज को फर्मेंट करता है। जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम इस बैक्टीरिया के नाम की तरह डिप्थेरिया कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया के नाम कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया है, तो डिजीज़ भी डिप्थेरिया का नाम देते हैं। मूविंग ऑन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, ह्यूमन आर द ओनली नेचुरल होस्ट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंसानों के अलावा ये और किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज नहीं करता, और ह्यूमंस में भी ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। और डिजीज़ का स्प्रेड भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कफिंग या स्नीजिंग के दौरान दूसरे किसी भी इंडिविजुअल को ट्रांसमिट होंगे तो डिजीज़ कॉज करेंगे। मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज़, इसका कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी दो डोमेन्स होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक ए पार्ट एक बी पार्ट, या ए डोमेन और बी डोमेन कह लें। बी डोमेन इजी टू रिमेंबर है, बी से बाइंडिंग डोमेन उस भी उसको कहते हैं। उसका काम सिर्फ ये है कि वो जो है एक्सोटॉक्सिन को सरफेस रिसेप्टर्स के साथ अटैच कराती है, जैसे कि उसका नाम बाइंडिंग डोमेन है। सो इट हेल्प्स बाइंडिंग ऑफ द एक्सोटॉक्सिन विद द रिसेप्टर ऑन होस्ट सर्फेसिस, उसका सिर्फ इतना सा काम है। देन देर इज ए डोमेन विच हैज़ ऑल द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सारे की सारी एक्टिविटी एंजाइम्स और दूसरे भी जो भी एक्टिविटी है वो ए डोमेन के अंदर होंगे। सो हम कह सकते हैं कि ए डोमेन जो है मेन डोमेन है विच कॉजेज द विच मीडिएट्स द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये एक्सोटॉक्सिन करता क्या है, इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। याद रखें बच्चों, एलोंगेशन फैक्टर 2 ह्यूमंस के अंदर एक फैक्टर है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्सोटॉक्सिन एलोंगेशन फैक्टर 2 के अंदर चेंजेस लाता है, उसकी राइबोसाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना काम, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस उसका काम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करा पाता। सो दिस एक्सोटॉक्सिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ ये बैक्टीरिया तो अंदर आ गया है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया है, उसने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया है। इसके मुकाबले में होस्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी का उसको रिस्पॉन्स कैसे आएगा। ह्यूमन बॉडी इसको दो तरह से रिस्पॉन्ड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोड्यूसेस लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद फाइब्रिनस एग्जुडेट विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ टफ एडहेरेंट ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोकलाइज रहता है एक जगह पे, तो एक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में एक टफ मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन एक्चुअली बनेगी, ठीक है, जो सरफेस के साथ एडहेरेंट होगी, चिपकी हुई होगी। और दूसरा रिएक्शन जो है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोकलाइज्ड ना रहे, ब्लड के थ्रू या किसी भी और ज़रिए से पूरी बॉडी में फैल जाए, तो फिर उसका
फिर बॉडी का रिएक्शन क्या होगा, फिर बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। उस एंटीबॉडी का काम क्या होगा, वो इसके एक्सोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगी। ठीक है, सो अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह पे लोकलाइज रहता है, अगर सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, नेजोफेरिंक्स के अंदर या थ्रॉट के अंदर लोकलाइज रहता है, तो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पैदा होगा, जिसके नतीजे में एक स्यूडो मेम्ब्रेन, ग्रे कलर की स्यूडो मेम्ब्रेन बनेगी। लेकिन अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाता है पूरी बॉडी के अंदर, तो फिर लोकलाइज रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, फिर बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि उसके एक्सोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ये डिजीज़ जो कराता है उसको हम डिफ्थेरिया कहते हैं। सो ये डिफ्थेरिया के क्लिनिकल फीचर्स हैं, जिनमें क्या क्या है। डिफ्थेरिया जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है, थ्रॉट की डिजीज़ है। सो उसमें होगा क्या, सोर थ्रॉट होगा, मेलेज होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस लो ग्रेड रहता है, लेकिन कभी कभार हाई ग्रेड भी हो सकता है, और ग्रेश वाइट कलर की एक फाइब्रिनस सूडो मेम्ब्रेन होगी टॉन्सिल्स या गले के अंदर, टॉन्सिल्स के ऊपर या गले के अंदर। दिस सूडो मेम्ब्रेन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर, हॉलमार्क है किसका, डिप्थेरिया का। हेयर यू कैन सी सूडो मेम्ब्रेन ऑन द थ्रॉट, ये यहाँ पे आपको ये ग्रेज वाइट सूडो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, एज़ कम्पेयर टू दिस पिक्चर, ये नॉर्मल पिक्चर है। यहाँ पे थ्रॉट क्लियर है, आपको थ्रॉट क्लियर नज़र आ रहा है, यूवुला भी नज़र आ रहा है, जबकि इस पिक्चर में द थ्रॉट हैज़ बीन कवर्ड, टॉन्सिल भी दे आर कवर्ड विद अ ग्रेज वाइट सूडो मेम्ब्रेन। मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़, नॉर्मली ये इन्फेक्शन जो है कंट्रोल हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, बट सम ऑफ द टाइम कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है कि ग्रेश, ये जो सूडो मेम्ब्रेन बनती है, ये थ्रॉट में जो सूडो मेम्ब्रेन बनती है, इट कैन एक्सटेंड इनटू द लेरिंग्स और ट्रैकिया। हमने जैसे पहले बात की कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है, लेकिन वंस दिस सूडो मेम्ब्रेन हैज़ फॉर्म, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से आगे भी जा सकती है, यानी कि लेरिंग्स और ट्रेकिया में भी जा सकती है, और जिसकी वजह से क्या हो सकती है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंडली इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बच्चों हार्ट की एक लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तीन लेयर्स हैं हार्ट की, उसमें से मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन जब हो जाए तो उसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से रिदमियाज भी आ सकते हैं। एंड देन इट कैन कॉज नर्व वीकनेस और पैरालिसिस, स्पेशली क्रेनियल नर्व्स की ये वीकनेस और पैरालिसिस कराता है, जो कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट का पैरालिसिस हो सकता है। जब सॉफ्ट पैलेट का पैरालिसिस हो जाएगा तो हमारे पास स्वॉलोइंग के अंदर डिफ़िकल्टीज आएंगी, फूड जो है वो ठीक तरह से स्वॉलो नहीं हो सकेगा और रिगर्जिटेशन होगी। ठीक है, हम इसको लैब में कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, सबसे पहले तो सिंपल कल्चर हम कर सकते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फिर पीसीआर कर सकते हैं, सीरोलॉजिक टेस्टिंग कर सकते हैं, और टॉक्सिजेनिसिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। दीज ये हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इसको लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल्चर करने के लिए बच्चों हमारे पास ज़रूरी है कि हम सैंपल क्या कहाँ से लें, थ्रोट से या नेजोफेरिंजियल स्वैब लें हम, और उसको कल्चर करें। इसको कल्चर करने के लिए हमारे पास कॉमनली यूज मीडिया जो है वो टेलुराइट ब्लड एगर है, टिन्सडेल मीडियम है, और लॉफलर्स मीडियम है। टेलुराइट ब्लड एगर पे जब हम इसको कल्चर करते हैं तो ग्रे ब्लैक कॉलोनीज हमें नज़र आएंगी। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन है। बच्चों याद रखें, एंटीटॉक्सिन जो है इट शुड बी गिवन इमीडिएटली ऑन द क्लिनिकल सस्पिशन। हम लैब रिजल्ट्स का, लैब डायग्नोसिस का वेट नहीं करते। वंस वी आर क्लिनिकली सस्पिशियस ऑफ द डिजीज़, जब हमें सूडो मेम्ब्रेन नज़र आ जाए, इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट विद एंटीटॉक्सिन, बिकॉज वी कैन नॉट रिस्क द पेशेंट के उसकी सूडो मेम्ब्रेन जो है वो ट्रेकिया तक एक्सटेंड कर जाए, क्योंकि वो
रेस्पिरेटरी अरेस्ट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है जो कि फेटल हो सकता है। इसलिए क्लिनिकल सस्पिशन के हम उस क्लिनिकल सस्पिशन पे हम इमीडिएटली डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर कर देते हैं। इस एंटीटॉक्सिन का काम क्या है, इट न्यूट्रलाइजेज द अनबाउंड टॉक्सिन। जो टॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन बाइंड हो चुका है सर्फेसिस के साथ, रिसेप्टर्स के साथ, वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा ये। सो दैट एक्सोटॉक्सिन विल कॉज द डिजीज़, वो अपना डिजीज़ प्रोग्रेशन उसी तरह करेगा। ओनली द अनबाउंड टॉक्सिन उसको एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम द अदर ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास पेनिसिलिन जी या एरिथ्रोमाइसिन, इन दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक भी हम साथ देंगे। लेकिन वंस अगेन मैं बताता चलूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन है, विच शुड बी गिवन इमीडिएटली अपॉन क्लिनिकल सस्पिशन। हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास डिफ्थेरिया टॉक्सॉल्ट है, जो डिफ्थेरिया टॉक्सिन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं। WHO का जो शेड्यूल भी है, EPI जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी शामिल है। और ये टॉक्सॉइड जो है, ये इट इज़ यूजली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद टेटनस टॉक्सॉइड एंड पर्टोसिस वैक्सीन एज DTaP। DTaP के नाम से एक ही कंबाइंड वैक्सीन होती है जिसमें डिफ्थेरिया, टेटनस और पर्टोसिस के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशंस होती हैं। और ये पाकिस्तान में भी EPI का पार्ट है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की कॉमन प्रॉपर्टीज वही डिफ्थेरिया वाली है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ग्राम पॉजिटिव है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक डिफ्थेरिया। सो ये डिजीज़ जो कराता है मेनिनजाइटिस एंड सेप्सिस इन न्यूबॉर्न्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। इसकी ट्रांसमिशन में अनपास्चराइज्ड मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो दे आर अ वेरी लीथल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिस्टेरिया। पास्चराइजेशन, बच्चों एज यू माइट नो, पास्चराइजेशन इज अ मेथड टू किल और डिसइनफेक्ट और प्योरीफाई द मिल्क फ्रॉम बैक्टेरियल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जब मिल्क को हम अच्छे तरीके से पास्चराइज नहीं करेंगे, उसके अंदर लिस्टेरिया की ट्रांसमिशन के बहुत चांसेस हैं। उसके अलावा अंडर कुक्ड मीट एंड रॉ वेजिटेबल्स, दे आर ऑल्सो पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिस्टेरिया। मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस, लिस्टेरिया जो है या तो फीटस और न्यूबॉर्न में इन्फेक्शन कराएगा एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस प्लेसेंटा, या ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसमिशन होगी। फीटस के अंदर ट्रांसमिशन हो सकती है अक्रॉस प्लेसेंटा के अक्रॉस, यानी कि मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होगी प्लेसेंटा के थ्रू। और उसके अलावा जब न्यूबॉर्न जो है उसमें ट्रांसमिशन हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, जब ड्यूरिंग डिलीवरी व्हेन द फीटस इज पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल, तो उस वक्त मदर से एक्वायर कर सकता है इन्फेक्शन। या फिर इसके अलावा प्रेग्नेंट वेमेन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में ये इन्फेक्शन करा सकता है, क्योंकि दे हैव डिक्रीज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद रखें बच्चों, प्रेगनेंसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, प्रेगनेंसी के अंदर भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंट वेमेन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्वायरिंग डिफरेंट इन्फेक्शंस, जिसमें से लिस्टेरिया भी एक है। द पैथोजेनेसिस डिपेंड्स अपॉन इन्वेजन एंड सर्वाइविंग विद इन द सेल्स। इसकी पैथोजेनेसिस की मीडिएशन के लिए ज़रूरी है कि लिस्टेरिया सबसे पहले सेल्स को इन्वेड करें और फिर उसके अंदर सर्वाइव करें। इन्वेजन इसकी कैसे होती है कि लिस्टेरिया एक प्रोटीन बनाता है जिसको इंटरनलिन कहते हैं। इंटरनलिन इंटरैक्ट्स विद ईक एडहेरिन जो कि होस्ट सेल्स बनाते हैं। जब इंटरनलिन और ईक एडहेरिन आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो लिस्टेरिया ह्यूमन सेल्स के अंदर जा सकता है, उनको इन्वेड कर सकता है। एक दफ़ा जब ये सेल्स के अंदर चला गया तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं लिस्टेरियोलाइसिन। लिस्टेरियोलाइसिन का क्या काम है कि ये इसको फेगोसोम से बचाता है और फेगोसोम से बचा के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है।
फेगोसोम्स बच्चों आपको अगर याद हो तो फेगोसोम्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं, दे प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वंस लिस्टेरिया इज एस्केपिंग फ्रॉम फेगोसोम्स, इसका मतलब है कि ये इसकी डिस्ट्रक्शन से बच जाएगा। दिस एंजाइम लिस्टेरियोलाइसिन प्रिवेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिस्टेरिया फ्रॉम द फेगोसोम्स। सो ये इस तरह सेल के अंदर सर्वाइव करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि ये सेप्सिस कराता है और मेनिनजाइटिस कराता है। सो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन होगा फीटस के अंदर, तो उसमें ये अबॉर्शन करा सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी करा सकता है और सेप्सिस करा सकता है। न्यूबॉर्न के अंदर इन्फेक्शन होगा तो ये मेनिनजाइटिस करा सकता है, और मेनिनजाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, उसमें फीवर और रिजिड नेक रिजिडिटी वगैरह होगा। इट ऑल्सो कॉजेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें वाटरी डायरिया, एबडोमिनल क्रैम्प्स, फीवर एंड माइल्जियाज होंगे। लैब डायग्नोसिस के लिए सिंपली हमें ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर आर इनफ टू डायग्नोस इट इन द लैब। ग्राम स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नज़र आएंगे, और जब हम इसमें कल्चर करेंगे तो स्मॉल ग्रे कलर्ड कॉलोनीज हमें नज़र आएंगी विद अ नैरो जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस ऑन ब्लड एगर प्लेट। ट्रीटमेंट के लिए हम ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामिथॉक्सिजोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ये एंटीबायोटिक है, और क्योंकि सेप्सिस या मेनिनजाइटिस सिवियर इन्फेक्शन कराता है, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है। अभी हमारे पास इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। द ओनली वे टू प्रिवेंट द डिजीज़ इज़ बाई प्रिवेंटिंग द एक्सपोजर टू पोटेंशियल सोर्सेज। इसके पोटेंशियल सोर्सेज जैसे हमने पहले बात की थी, अनपास्टराइज मिल्क, अंडर कुक्ड फूड और रॉ वेजिटेबल्स हैं, और पोटेंशियल इसके होस्ट जो है वो प्रेग्नेंट वेमेन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या न्यू बॉर्नस हैं। सो वी शुड टेक केयर इन प्रिवेंटिंग दोज इंडिविजुअल्स, उनको हम इन सोर्सेज से अगर एक्सपोजर बचा सकें, सो वी कैन ओनली देन वी कैन प्रिवेंट द डिजीज। दैट विल बी ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर। प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।